हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये हमने राइस देखिए इस तरह से उबाल के रख लिया है, और ये है शिमला मिर्च ग्रीन वाला, तो इसे भी हमने बारीक काट लिया है। और ये लाल वाली शिमला मिर्च है, ये प्याज है, और ये है हमारा गाजर, और थोड़ा सा हमने बीन्स ले लिया है, और कटी हरी धनिया है, और कुछ हमने सॉस ले लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये रेड चिल्ली सॉस है, और ये ग्रीन चिल्ली सॉस है, और ये है हमारा सोया सॉस। तो अब चलो बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने गैस पे एक पैन रखा है जिसमें ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हम प्याज डालेंगे और इसे हल्का सा भुनेंगे, और उसी में हम अपना जो है शिमला मिर्च गाजर और बीन्स सब इसमें डाल के इसे हल्का सा सॉफ्ट करके पकाएंगे। ज़्यादा हमें इन सबको नहीं पकाना है। तो इस फ्लेम पे देखिए हमें इसे ऐसे पका रहे हैं हल्की आंच पे, और इसी में हम डाल रहे हैं नमक। नमक डालने से थोड़ा सा और पक जाएगा, और इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डाल दिए हैं, और अब सोया सॉस डाल रहे हैं, थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली सॉस और रेड चिल्ली सॉस डाल देंगे इसमें। ये ग्रीन है, इसके पहले रेड चिल्ली सॉस था। इस तरह से हम इसे मिक्स कर दे रहे हैं, और इसमें हम अब अपना चावल डालेंगे। चावल हमारा बासमती राइस है, तो इसका जो चाइनीज बनता है वो बहुत ही टेस्टी रहता है, खाने में बहुत ही बढ़िया रहता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर घर पे हमेशा फास्ट फूड में ट्राई करिएगा, बच्चों के लिए लंच बॉक्स या सुबह का नाश्ता। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए, और आपसे हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।